सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी आज अपना राज्य सम्मेलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव समेत कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया जा रहा है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया गया। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया है। समाजवादी पार्टी ने आज अपना राज्य सम्मेलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव समेत कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। बता दें समाजवादी पार्टी आज अपना राज्य सम्मेलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव समेत कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया गया। समाजवादी पार्टी अपना राज्य सम्मेलन कर रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव समेत कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, समाजवादी पार्टी आज अपना राज्य सम्मेलन कर रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी का नौवां राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता रहे कि प्रदेश भर से पूरा राज्य है, वहां से कार्यकर्ता आए हुए हैं। और साफ तौर से आपको बताएं तो इस सम्मेलन के माध्यम से आज कहीं ना कहीं देखो तो साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही लोकसभा का चुनाव हो चाहे 2027 का चुनाव हो, इसको लेकर अभी से रणनीतियां बनाई जा रही है। इसके लिए का जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके साथ एक विचार विमर्श भी किया जा रहा है। आमतौर पर आपको बताएं कि आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव जी, उनकी तरफ से आज सर्वसहमति के साथ नरेश उत्तम पटेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बार फिर नरेश उत्तम पटेल को जिम्मा मिलने के बाद क्या वो इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के लिए ले आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती तो बड़ी है क्योंकि साल के अंत में निकाय चुनाव है। और साथ ही अब अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टियां भेजना चाहती हैं। और आज अखिलेश यादव अपने संबोधन में जो तत्कालीन सरकार है चाहे राज्य की चाहे केंद्र की, इस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबले के साथ अगर कोई पार्टियां मुकाबला कर सकती हैं तो वो समाजवादी पार्टी है। तब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में जहां आज राज्य सम्मेलन है, कल
राष्ट्र सम्मेलन है जिसके राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित होंगे। और आज की अगर बात की जाए तो मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो दिखाए कि ठीक सामने मंच है, वहाँ सैकड़ों की तादाद में मंच पर नेता बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं और साफ तौर से जो आगे की नीतियां है पार्टी की उसको लेकर रणनीति तैयार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि प्रदेश के हर एक कोने कोने से जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के पदाधिकारी है वो आए हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ पूरी मुकाबले के साथ हमारे चुनाव है उसमें लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। आज अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में साफ तौर से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपी एनआईसी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो, इन सभी जो कार्य हुए हैं प्रदेश के अंदर वो समाजवादी पार्टी के तरफ से हुए हैं। आपको बताएं कि इन सब आरोपों के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ आज मंच पर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है राम गोपाल यादव, चाहे बात की जाए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, चाहे बात की जाए विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम पदाधिकारी आज मौजूद हैं और इनका साफ तौर से देखे तो प्रदेश के 75 जिलों से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं और इनका साफ तौर से कहीं ना कहीं सम्मेलन में सम्मिलित होने आए हैं, अपने मार्गदर्शन लेने आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हैं। हम इटावा जिला से आया हूँ, मेरा नाम अतुल कुमार साक है। हम यहाँ कार्यकारिणी के लिए आए प्रदेश अध्यक्ष जी को बनाने के लिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि आज नरेश उत्तम पटेल को फिर से अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है, क्या कहेंगे? नरेश उत्तम पटेल जी को पुनः जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, हम उनको बधाई देना चाहेंगे और आदरणीय पटेल जी उत्तर प्रदेश की अगुवाई बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाज पार्टी है, इसने 2022 के चुनाव में जो किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था, आज यही भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम किसानों को बिजली फ्री नहीं दे सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा था, आज उसने कुछ भी पूरा करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी केवल शासन में बुलडोजर के माध्यम से जनता को धमकाकर और विपक्ष को धमकाकर राज करना चाहती है और निजीकरण करके देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको प्रतिदिन बेच रही है और निजीकरण होने से आरक्षण पिछले दरवाजे से समाप्त हो रहा है। और आने वाले जो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटें भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल जनता परेशान है। हमारे साथ एक युवा भी है जो आने वाले समय में राजनीति में अभी दिख रहे हैं लेकिन आने वाले समय में मुकाम हासिल करेंगे। हमें ये बताइए, आप युवा हैं, अगली पीढ़ी है, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से और आज नवा अधिवेशन इसको लेकर क्या कहें? सर, मेरा नाम शिवम यादव, मैं बहराइच 286 विधानसभा से बिलोंग करता हूं। सर, मैं एक छात्र हूं जो छात्र हितों में भारतीय जनता पार्टी वो परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, वो कहते लीक हो जाती। हर एक युवा बहुत सी मेहनत करता है, बहुत सी अपेक्षाएं रखता है सरकार से। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से एक भी वैकेंसी स्टेट लेवल में नहीं हुई है। जैसे छोटी मोटी वैकेंसी हो जिससे गरीब परिवार चल सके। नीट का एग्जाम था जिसमें क्या कहते हैं 18 लाख से अधिक कहते विद्यार्थी थे, 9 लाख पास हुए, 91,000 सीटें हैं जिसमें क्या कहते हैं जो बड़े बड़े अमीर के लड़के होंगे जिनके पास पैसा होंगे। अभी बताएं अलाहाबाद में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर, उस पर आपका क्या सोचना है? फीस वृद्धि रुकनी चाहिए, फीस जब बढ़ेगी बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, फीस कम होगी तभी पढ़ लिख पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। नरेश उत्तम पटेल जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरा कहने का बढ़े सारी चीजें बढ़े लेकिन उसी की तरीके एक किसान परिवार या किसी भी बच्चे का जो मजदूर होता है उसकी आय भी बढ़नी चाहिए। मजदूरी वही 300 या 400 रुपये थी,
वो भी दो तीन साल पहले भी वही थी और दो तीन साल हो गए वो भी वही मजदूरी, तेल था वो पेट्रोल था चाहे सब्जी का तेल था वो महंगा, अगर सारी चीजें महंगी करते उसी तरीके आय भी बढ़ानी चाहिए मजदूरों की, वो नहीं बढ़ रही है। तो सरकार से बस यही एक निवेदन है कि जो युवा हैं उनके छात्र हित में वो यही चाहते हैं कि शिक्षा ना बन पाए, शिक्षित लोग ना बन पाए, बस उनका एक ही है कि शिक्षा नहीं रहेगी तो जी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि हमारे साथ कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिम्मेदारी नरेश उत्तम पटेल को मिली है उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती के साथ ही साथ दूसरी बात ये होगी कि निकाय चुनाव की तरफ से चुनाव है 2024 में उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है। जी मयूरी विवांशु आपको हमारी आवाज आ रही है? विवांशु आपको हमारी आवाज आ रही है? विवांशु से हमारा संपर्क टूट गया, फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया जा रहा है। साथ ही बता दें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस मैदान में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। बता दें लखनऊ में समाजवादी पार्टी आज अपना राज्य सम्मेलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव समेत कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन का आयोजन रमाबाई अंबेडकर में किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता विवांशु का। विवांशु ये सम्मेलन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 2024 के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? जी आपको अगर तत्काल की बात करें मुख्यमंत्री है साथ ही साथ नेता बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और तमाम कामों को लेकर सरकार ने सवाल उठाया गया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ के हवाले चाहे NIC हो चाहे लखनऊ मेट्रो हो चाहे पुलिस मुख्यालय हो चाहे चाहे डायल हेल्पलाइन हो सभी काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं और उनका ये भी आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी के दौरान जो काम किए गए उसका फीसा तत्कालीन सरकार का है और उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है और मुकाबला दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसका भी बात ये होगी कि निकाय चुनाव में जहाँ जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ की समाजवादी पार्टी के जो जिम्मा है फिर से नरेश उत्तम पटेल को दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती का विषय होगा क्योंकि 2024 के चुनाव को अगर देखें तो सेमीफाइनल के तौर पे निकाय चुनाव को देखा जा रहा है तो निकाय चुनाव और साथ ही साथ 2024 चुनाव उसके ठीक बाद 27 का चुनाव तो ये सभी चुनाव कहीं ना कहीं चुनौती का विषय होगा। और हाल फिलहाल की बात करें तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ अगर सवाल उठाना होगा और जो सरकार है उसके द्वारा किए गए काम अगर कहीं अनुचित बात है जनता का तो सवाल उठाने की जरूरत है। और मयूरी हम यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में, हम इनसे ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत एक बुजुर्ग नेता से करेंगे। दादा अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि नरेश उत्तम पटेल को फिर से अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है, किस नजर से देखते हैं? आप क्या कहेंगे? पार्टी का अखिलेश यादव जी का निर्णय है और बड़े तो मालिक है प्रदेश में क्या चले सीनियर लीडर है तो उन्हीं का सब चलेगा। अच्छा आप ये बताओ
कि आज राज्य सम्मेलन आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है साथ ही साथ अध्यक्ष उनकी तरफ से तमाम नीतियों को लेकर सवाल खड़ा किया गया, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, शिक्षा को, चिकित्सा को, बेरोजगारी को, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा गरीबों, मजलूमों, बेरोजगार, अल्पसंख्यक किसानों की लड़ाई लड़ते थे और ये वर्तमान है बीजेपी की सरकार, इसने नौजवानों को छला, किसानों को छला, बेरोजगारों को छला, व्यापारियों को छला। आज देख रहे हैं क्या हालत अस्पतालों की है, क्या हालत रोड की है, सड़कों की है, गलियों की है, कितने लोग मारे गए बाढ़ में, कितने लोग जान चली, इस सरकार के कान पर जू नहीं रही। तो हमारे नेता समाजवादी पार्टी हमेशा लड़े हैं, हमेशा लड़ाई समाजवादी पार्टी ने किसानों और नौजवानों की लड़ी है और आगे लड़ते रहेंगे। 24 में पूरा अल्पसंख्यक समाज से लेकर के नौजवान, बेरोजगार जितना ही प्रताड़ित हुआ वो सब 24 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अच्छा हमें ये बताएं कि आज साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही 2024 का चुनाव भी नजदीक है, कितनी चुनौतियों से आप समाधान पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कथनी करनी अलग है, ये गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने का काम कर रही है। दूध, दही, मक्खन और आटा जीएसटी लगा करके इन्होंने गरीबों को मारने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया, किसान के साथ धोखा किया, नौजवान को ठगने का काम किया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके 4 साल पे उसको समेटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। एक एक युवा, महिला, नौजवान, छात्र, नौजवान, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से विदा करने का काम करेंगे और 2024 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सत्ता भारतीय जनता पार्टी कल करके माननीय अखिलेश यादव को केंद्र में भेजने का काम करेंगे। ये बताएं कि साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही जो साल के अंत में निकाय चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है, कितनी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए? मैं अपने बारे में पूछूं, अपना परिचय देती हूं, अपना परिचय देती हूं। स्वर्गीय गजेंद्र सिंह मलिक की पत्नी किरण मलिक, महिला प्रदेश सचिव, ये कहना चाहती है कि जो देश में हो रहा है आज पिछले 5 सालों से वो बहुत ही निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है और दूध के दाम बढ़ गए हैं, बच्चों के दूध को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और पेट्रोल महंगा कर दिया है, डीजल महंगा कर दिया है, गैस रसोई के नहीं चल रही है, गैस महंगी हो गई है, ये सब हमारे आम जनता के लिए बहुत दुखदायी है। और इन लोगों को भगाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और देश को बचाना पड़ेगा। अच्छा अभी ये बताएं कि चुनौती कितनी है, क्योंकि अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो एक लंबा मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी चुनौती है, कैसे देखती है आप? मैं देखती हूँ कि जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है, देश को बचाने के लिए जितनी मेहनत की जाए समाजवादी पार्टी में, जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, महिला कर सकती हैं, जेंट्स कर, पुरुष कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। शुक्रिया आपसे बात करते हैं, हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। पहले हमें ये बताएं कि आप युवा जन सभा से होंगे और साथ ही अगर बात की जाए तो युवा आजकल अगर देखे तो इलाहाबाद के अंदर में प्रदर्शन कर रहा है, इसको किस नजर से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं 4 साल इंजीनियरिंग करता हूँ गलगुटिया कॉलेज से, और वहाँ पे 4 साल बाद भी जब मेरी डिग्री कंप्लीट होने जाती है वहाँ पे एक कंपनियां नहीं आती है। इसी से पता चलता है कि इस देश में बेरोजगारी कितना बढ़ती चली जा रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय जो पीएम होते हैं उनको हरा के हम लोग बेरोजगार अपना रोजगार छीनने का काम करेंगे। जैसे हम लोग 4 साल बीटेक कर रहे हैं उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिले, यहाँ इलाहाबाद में देखिए छात्रों को प्रवर्तक द्वारा मारा जा रहा है, और पुलिस जब सुरक्षा कर्मियों से पूछा जा रहा है तो कह रहे मेरे तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। बिना सरकार के आदेश के द्वारा क्या छात्रों को मारा जाएगा प्रवर्तक द्वारा? बिना अधिकारियों के आदेश द्वारा मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा। उन्हें सर सरकार करा रही है, सरकार नौकरी ऐसा कर रही है कि नौकरी ना देना पड़े। अभी ये बता, नवा अधिवेशन है, सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन,
फिर से नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। देखो तो 2019 चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खराब था, 2022 चुनाव कितनी चुनौती है? चुनौती तो बड़ी है, लेकिन छात्र, नौजवान, महिलाएं सभी मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले 2024 में माननीय मोदी जी को हरा के उखाड़ के जड़ से फेंक दिया जाएगा जी। अच्छा, आज अगर बात करें हाल फिलहाल में, तो आज राज्य अधिवेशन है, सम्मेलन है और कल राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इससे आपको क्या लगता है कितना बदलाव आ सकेगा? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और महंगाई और अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी नौजवान और समाजवादी साथी लेकर इस सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे आने वाले समय में, ताकि रोजगार का सृजन हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को सम्मान मिले, बेरोजगार व्यापारियों को सम्मान मिले, व्यापारियों का कोई नुकसान न हो, इस तरह का काम हम कर रहे हैं जी। बीबी, तो आपने देखा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर जो आक्रोशित है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आगामी चुनाव है, चाहे बात की जाए निकाय चुनाव, चाहे बात की जाए लोकसभा 2024 के चुनाव, इसमें हम मजबूती से लड़ेंगे और उसका परिणाम आने वाला समय बताएगा जी। विवांशु, आप रमाबाई अम्बेडकर में मौजूद है, तो आप वहाँ से ताजा तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल मयूरी, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक सामने मंच बनाया गया हुआ है, और मंच पे अगर बात की जाए तो लगभग सैकड़ों की तादाद में नेता उस पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज के सम्मेलन से जो उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी है उसमें मजबूती के लाने के लिए, साथ ही जो हाल फिलहाल में अगर देखें तो 2024 चुनाव है लोकसभा का, उसके बात करें तो उससे ठीक पहले निकाय चुनाव है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए अभी से समाजवादी पार्टी अपना कमर कसना शुरू कर चुकी है, और आने वाले जो चुनाव है, चाहे बात की जाए निकाय चुनाव काल के अंत में जल्दी इसकी तिथियां घोषित हो जाएंगी, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो क्या बढ़ता है, सीटों में क्या बढ़ोतरी होती है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं ठीक सामने मंच बना है नौ राज्य सम्मेलन, जो कि आज रमाबाई मैदान में आयोजित हो रहा है, और मंच पे ठीक सामने अपने सहयोगी से कहूंगा कि अपने कैमरे पे दिखाएं कि मंच पर जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो मौजूद हैं, साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी मौजूद हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ब्राह्मण सभा से मनोज पांडे हैं, ये तमाम नेता आज अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर अभी से जोश भर रहे हैं जी। मयूरी, साथ देखने को मिल रहा है सपाइयों में सम्मेलन को लेकर। विवांशु, वहां सैकड़ों की संख्या में सपाई नजर आ रहे हैं, सम्मेलन को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बीबी, आपको साफ तौर से दिखाया चाहूंगा कि ठीक सामने कार्यकर्ताओं का एक लंबा हुज्ब बैठा हुआ है, जो साफ तौर से कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आकर आज इस सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो आज ये तमाम नेताओं के संबोधन के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, आप आने वाले समय में कैसे लड़ेंगे, आप किन मुद्दों पर बात करेंगे, इस तरह से देखा जाए तो इन सभी कार्यकर्ताओं का अधिवेशन में एक प्लान किया जा रहा है कि आप कैसे जो नीतियां है सरकार की, जो तमाम जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ कैसे आवाज उठा सके। साथ ही अगर बात की जाए तो जो हाल फिलहाल में अगर देखें तो इलाहाबाद के अंदर में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है इस वृद्धि को लेकर, तो उसी से जुड़े तमाम छात्र संघ के भी नेता हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों के नेता हैं, चाहे बात की जाए महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह पे बैठी है, ऐसे तमाम जो समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ है उससे सभी पदाधिकारी हैं, चाहे बात की जाए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की, चाहे बात की जाए महिला सभा की, चाहे बात की जाए
मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की, तो इन सभी जो प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के, तो ये भी सभी नेता आए हुए हैं और आने वाले समय के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कल फिर से यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है जिसमें पूरे भारत से समाजवादी पार्टी के जो नेता होंगे वो आएंगे, इसमें सम्मिलित होंगे और जो पार्टी के तमाम जिम्मेदार बड़े नेता हैं उनसे गुरु मंत्र हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कार्यकर्ता भी धीरे धीरे आ भी रहे हैं और अपने स्थानों को ले रहे हैं। और अगर बात की जाए तो तमाम जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं जो चुनाव नहीं जीत सके थे, साथ ही सभी लगभग अच्छे खासे तादाद में विधायक भी यहाँ पे हैं। और वही अगर बात की जाए तो कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र सभा के छात्र लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस सभा में सम्मिलित हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार को लेकर उनका ये पदयात्रा था और आने वाले समय में हमारे पदयात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहा है और जगाते रहेंगे। जी जी धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बोलवाना था क्या इसे? इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।